Verma solution, chapter 15, wave motion, question number 21. Two blocks, each having a mass 3.2 kg, are connected by a wire CD and the system is suspended from the ceiling by another wire AB. The linear mass density of the wire AB is 10 gram per meter and that of CD is 8 gram per meter. Find the speed of transverse wave pulse produced in AB and CD. तो अपने को ए बी का मास पर यूनिट लेंथ गिवन है कितना, ए बी का गिवन है 10 ग्राम और 10 ग्राम पर मीटर, और सी डी का कितना दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ 8 ग्राम पर मीटर. ओके, ये अपने को दोनों का ए बी का और सी डी का मास पर यूनिट लेंथ गिवन है. दूसरा अपन टेंशन फाइंड कर लेते हैं. देखो ये 3.2 केजी है तो इसके ऊपर टेंशन ऊपर लगेगा और नीचे फोर्स लगेगा एम जी. तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी मेरी, टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी एम जी. तो ये एम कितना है अपना 3.2, जी अपने को 10 लेना है तो कितना आ जाएगा टेंशन आ जाएगा 32 न्यूटन. तो ये आपका T1 लिख देते हैं. तो T1 कितना होगा 32 न्यूटन. सेम T1 यहाँ पर होगा और यहाँ पे वापस आपका एम जी आएगा और ऊपर टेंशन T2 आएगा. तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस एम जी. T1 कितना है अपना 32, एम कितना है 3.2, जी कितना है 10, तो ये आ जाएगा अपना 64 न्यूटन. तो T2 कितना है 64 न्यूटन, T1 कितना है 32 न्यूटन. ओके, तो T2 मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ए बी की बात कर रहे हैं, और T1 का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सी डी की बात कर रहे हैं. ओके, अपने को क्या पूछा है, स्पीड इन सी डी एंड ए बी. तो ए बी की स्पीड देखते हैं. तो ए बी की स्पीड निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ. टेंशन किसका, ए बी का. मास पर यूनिट लेंथ किसका, ए बी का. ओके, तो टेंशन पुट करते हैं. टेंशन कितना है, टेंशन 64, मास पर यूनिट लेंथ 10. तो इस 10 ग्राम पर मीटर है, 10 ग्राम पर मीटर. तो अगर इसको मैं किलोग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ग्राम को 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर. ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10^-2, यानी ऊपर आ जाएगा 6400. ओके, इसको अपन रूट सोल्व करेंगे तो 64 का तो 8 हो जाएगा, 100 का हो जाएगा 10, यानी आंसर आ जाएगा 80. तो ए बी, वी ए बी कितना होगा, स्पीड इन ए बी कितना होगा 80 मीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं सी डी. तो सी डी क्या आएगा, टेंशन इन सी डी अपॉन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सी डी. ओके, टेंशन कितना है 32 न्यूटन, मास पर यूनिट लेंथ 8. ओके, तो 8 क्या है ग्राम पर मीटर, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10^-3. वापस यही इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसका आंसर आएगा अपना 63 मीटर पर सेकेंड. इसको सॉल्व कर देना, आंसर आएगा 63 मीटर पर सेकेंड.